इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से बोर्ड में से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें से बनना ही बनना है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लें। कंपटीशन वालों की अपनी मर्जी, डाले ना डाले, पर बोर्ड में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा इक्विपोटेंशियल पे। इक्विपोटेंशियल नाम से पता लग रहा है, एक ऐसी सरफेस है जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, बंदा सोचता है कि पोटेंशियल सेम कैसे है, ये क्या बात हुई। तो पहले एक पॉइंट को समझते हैं, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझने के लिए आप इमेजिन करें कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव बस, और मैंने आपसे ये कहा कि आर डिस्टेंस दूर आप यहां पर पोटेंशियल निकाल लें, तो आप कहेंगे 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये बोलेंगे। अब आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, 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 आप जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक स्फीयर। अब स्फीयर के सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर वी की वैल्यू क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम, तो इस इमेजिनरी स्फीयर को क्या बोलेंगे, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है यहां तक, चाहे वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी है, पर अगर ये सरफेस होती तो इक्विपोटेंशियल होती। अब कोई कहते हैं कि सर एक काम करो, आप आर डैश डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट लो, वहां क्या पोटेंशियल है, मैंने कहा वी डैश। अब आर डैश डिस्टेंस दूर आप जितने भी पॉइंट लेंगे सबके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, वी डैश वी डैश वी डैश, तो ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसका मतलब कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर एक इक्विपोटेंशियल है, फिर अगली इक्विपोटेंशियल है, फिर अगली इक्विपोटेंशियल है, फिर अगली इक्विपोटेंशियल है, फिर अगली इक्विपोटेंशियल है, तो ये सब सर्फेसिस क्या कहलाएंगी, इक्विपोटेंशियल सर्फेस। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, क्योंकि हर सर्फेस पोटेंशियल सेम है। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि यहां पर पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, तो यहां 8 वोल्ट है, ये मान लो 7 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, जितनी दूर जाएंगे पोटेंशियल गिरेगा, तो ये 10 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल है, ये 8 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल है, ये 7 वोल्ट की, ये 6 वोल्ट की, तो ये क्या बात बनी। आपने कहा था कि इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ सेम कैसे है, देखो इस सरफेस का पोटेंशियल सेम है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल है। मैंने ये नहीं कहा दुनिया के हर स्फीयर का पोटेंशियल सेम है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल है या तीसरी या चौथी, एंड सो ऑन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग हो सकती हैं ऐसी, पहला पॉइंट क्लियर है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर मैं सपोज करो कोई भी एक सरफेस ले, मान लो ये सरफेस लेता हूं, इस सरफेस का ये टॉप मोस्ट एरिया ले लेता हूं, ये रहा, और इसको मैं अलग प्लॉट कर देता हूं, ये देखो अलग से, ये सेम पोर्शन मैंने उठाया काटा और यहां रख दिया, मैं रख सकता हूं कि भाई देखो जी एक स्फीयर का इमेजिनरी सरफेस है, ये रख दिया। इसके अंदर नोट करने वाली बात यह है कि यहां पर यह क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल हमेशा क्या बनाती हैं, 90। तो अगर ये सरफेस है जिसका ये सरफेस एरिया है, या दो पॉइंट ले लेते हैं इसके ऊपर डी आर, ई और डी आर में हर वक्त एंगल क्या बनने वाला है, 90। ये याद रहेगा यहां तक, तो आपको बुक्स में ऐसे डायग्राम दिखेंगे, ये ई वेक्टर दिखेगा, ये आपको डी आर वेक्टर दिखेगा, और इनके बीच में एंगल क्या दिखेगा, 90। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक ना। आप ये सोचेंगे घर जाके कि यार ये कैसी इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल स्फीयर होते हैं तो स्फीयर का पार्ट दिखाते हैं आपको। तो अब ये टॉपिक अगर स्टार्ट किया जाए तो ये देखो दिख रहा है, ये वो कह रहे ये एक इमेजिनरी इक्विपोटेंशियल है, तो बच्चे सोचते हैं कि ये कैसी इक्विपोटेंशियल है, ए और बी का पोटेंशियल सेम कैसे हो गया, हो सकता है उसमें एक स्फीयर का एक पार्ट बाहर निकाल लिया हो, जैसे मैंने निकाला। तो इसके अंदर क्या दिखा हुआ है, डीएल वेक्टर है, कोई भी दो पॉइंट ले लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, डी आर या डी एल वेक्टर दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल डी एल के साथ क्या बनेगा, 90। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल के साथ हर वक्त एंगल क्या बनाएंगी, 90। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की ना, ये डायग्राम में बाद में आ रहा हूं मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है दैट हैज सेम इक्वल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप कोई भी पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेंगे तो वी की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। तो ये बताएं, अगर आपने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले ली, आपने दो पॉइंट ले लिए, दो पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ले लिया, तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दो पॉइंट्स का, जीरो, क्योंकि वी, हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि वी और वी
कैंसिल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। तो पहली प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आने वाले हैं, पहली प्रॉपर्टी है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। रीजन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपने एक चार्ज क्यू नॉट को उठा के ए पॉइंट से बी पॉइंट पे या बी पॉइंट से ए पॉइंट पे रख दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? जीरो। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। तो क्वेश्चन आएगा कि आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आपने एक टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रख दिया, तो ऑब्जेक्टिव मार्क करें, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? जीरो। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। दूसरी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू क्या है? जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर। ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि अगर आप कोई भी डी आर या डी एल वेक्टर लेंगे, ये मान लो डी आर वेक्टर है, तो ई वेक्टर और डी आर वेक्टर में हर वक्त एंगल क्या बनेगा? 90। वो तो मैंने डायग्राम दिखा भी दिया था कि इक्वी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ई वेक्टर जो होता है वो सरफेस के साथ हमेशा एंगल क्या बनाएगा? 90। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो लिख दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इक्विपोटेंशियल के साथ एंगल क्या बनाती है? हमेशा 90। सेकेंड भी क्लियर है। तीसरा, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज आर क्लोजर टुगेदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखो मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसको समझने के लिए फिर से सेम डायग्राम से डिस्कशन करते हैं। ये क्यू चार्ज है, ठीक है, ये क्यू चार्ज है। सपोज करो इसके आसपास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है 10 वोल्ट की। मान लो क्यू चार्ज ने यहां पर पोटेंशियल क्या लगाया? 10। पूरी सरफेस में 10 10 10। क्योंकि अगला स्फेयर इससे दूर है, तो मान लो ये इक्विपोटेंशियल कितने वोल्ट की है? 8 वोल्ट की है। अगला सरफेस इससे दूर है, तो यहां पर 8 वोल्ट से भी कम, मान लो 6 वोल्ट की है या 5 वोल्ट की, कुछ भी मान लो, ठीक। तो इसके अंदर ये देखो कि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लूं, तो उनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा। देखो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2। ऐसे यहां पे ले लो, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2। तो जब मैं बोलता हूं कि इमेजिन करो कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डीवी। तो डीवी की वैल्यू किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, वो तो चेंज होगी नहीं। और इनके बीच में दो पॉइंट्स में दूरी कितनी है? dr, dr मान लो, वो डिस्टेंस भी तो होगा इनके बीच में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? डायरेक्शन को छोड़ो, मैग्नीट्यूड क्या है? इज इक्वल टू डीवी बाई dr। तो मुझे ये बताओ कि किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में डीवी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। और मान लो ये आपने पोर्शन लिया दो इक्विपोटेंशियल, कोई स्टूडेंट कहता है मैं तो यहां लूंगा, ये डीवी लूंगा और ये डीआर लूंगा, कोई कहता है मैं तो यहां पे लूंगा डीवी डीआर लूंगा, तुम एक्सपेरिमेंट जितना दूर करोगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्योंकि जितनी दूर जाते जाओगे चार्ज से ई की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इमेजिन करो कि जब आप एक्सपेरिमेंट चार्ज के काफी क्लोज कर रहे हो, नजदीक कर रहे हो, तो ई वेक्टर वहां पे ई की वैल्यू क्या होगी? वहां पर ज्यादा, तो डीआर की वैल्यू क्या होगी? कम। तो ये स्पेसिंग क्या हो जाएगी? कम। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट दूर करेंगे तो वहां पे E की वैल्यू कमजोर पड़ जाएगी, और अगर E की वैल्यू कम पड़ गई तो DR को क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा। तो स्पेसिंग दो फेयर में क्या रखनी पड़ेगी? ज्यादा। तो इसका मतलब आज के बाद अगर मेरे को कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने को कहे एक पॉइंट चार्ज का, तो पता है कैसे ड्रॉ करूंगा? ऐसे करूंगा, ये मेरी इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस है, ये देखो ये मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, स्पेसिंग देख रहे हो, जैसे जैसे स्फीयर बनते जा रहे हैं स्पेसिंग क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, देख रहे हो। शुरू में dr क्या है? कम है। ये मान लो ये जो डिस्टेंस है ये dr है, ये dr है, ये dr है, देखो ये dr है ऐसे। तो क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया कि किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में डिफरेंस डीवी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, एंड ई की जो वैल्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीआर है। तो अगर मैं इस चार्ज से दूर जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाते जाते क्या होता जाएगा? डिक्रीज। तो स्पेसिंग क्या होती जाएगी? इंक्रीज।
तो यानी कि जब भी आपको पेपर में आए कि ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस या सरफेसेस फॉर एनी पॉइंट चार्ज, तो ऐसी बनेगी। देख रहे हो स्फेयर के बीच में शुरू में डिस्टेंस बहुत छोटा है और ये दूरी बढ़ती 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 जा रही है। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ने का मतलब है डी आर का बढ़ना। डी आर का बढ़ने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कमजोर होना। दूरी कम होने का मतलब, सरफेसेस पास होने का मतलब डी आर का कम होना, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रांग होना। तो याद रखना जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां स्पेसिंग कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है स्पेसिंग खुली है। तो कभी भी आपको पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने को आएगी तो ऐसे ड्रॉ करना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? बाहर की तरफ है पॉइंट चार्ज का। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। इवन इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है कहां पर वीक है। कैसे? अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना ड्रॉ करके दूं, सिर्फ ये स्पेसिंग शो करके दूं, आप मुझे बता सकते हो कि सर जहां पर स्पेसिंग कम है वहां फील्ड ज्यादा है और जहां स्पेसिंग ज्यादा है वहां फील्ड कम है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा से कम जाएगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा से कहां जा रहा है? कम जा रहा है। ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से कम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ शिफ्ट होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक। तो अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आने हैं, मैं बता रहा हूं आपको। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी थी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 डिग्री पे है। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जहां पर आपकी जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां डी आर छोटा है, डी आर स्पेसिंग कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जहां पर स्पेसिंग कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, स्पेसिंग खुली है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है स्ट्रांग से वीक की तरफ जाती है। आज ये भी डिस्कस किया। नेक्स्ट है मैंने बता दिया कि इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस विच आर क्लोजर टू ईच अदर। तो जहां सरफेस क्लोज हैं और जहां खुली हैं, जहां टाइट है वहां और कुछ जगह पे खुली हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइट से खुली की तरफ जाता है। नेक्स्ट है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। सोचो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेरा हाथ है 10-10 वोल्ट का हाथ है, ये एक 8-8 का हाथ है, अलग अलग है, अच्छी बात है, इंटरसेक्ट हो गए, ये लो इंटरसेक्ट हो गए। तो मैंने स्टूडेंट को कहा था मेरे हाथ पे कहीं भी एक पॉइंट ले ले सरफेस पे, 10 वोल्ट ही आएगा आंसर। दूसरे को कहा था मेरे इस हाथ पे लेगा तो 8 वोल्ट ही आएगा। अगर ये इंटरसेक्ट कर गए तो कॉमन पॉइंट आ गया, तो ये हाथ कहेगा 10 वोल्ट रखो, ये कहेगा 8 वोल्ट रखो, एक पॉइंट पर 10 और तो 8 वोल्ट इकट्ठे हो नहीं सकते, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्लियर है यहां तक? कॉमन पॉइंट पर दो पोटेंशियल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। किसी भी पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अगर मार्क करने को है ऑब्जेक्टिव, प्लस एंड प्लस। ये देखो यहां पे लाइंस टाइट हैं, यहां पे बहुत मींस आप ये चीज देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से लाइंस नेगेटिव पे जा रही हैं। और अगर आप पहले इसको देखते हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव लाइंस निकली। आप एक चीज देख रहे हैं यहां लाइंस बहुत खुली खुली हैं, यानी कि यहां पे फील्ड फील्ड जो है वो वीक है, यहां स्ट्रांग है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई पॉइंट अगर यहां लेंगे प्लस वन रखेंगे तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, दे विल कैंसल ईच अदर। तो ये वेक्टर्स जो इनका आपस में कैंसल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर आएगा यहां पे, तभी तो स्पेसिंग बढ़ गई। तो जहां स्पेसिंग टाइट है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर स्ट्रांग है, यहां पर वीक है। ऐसी यहां पे ये स्ट्रांग है, यहां पर ये वीक है। ऐसी ये आ सकता है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, देखो हमने जो अभी पॉइंट चार्ज किया उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर आर 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 चेंज हो रहा है, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, से आर चेंज हो रहा है तो ई की वैल्यू भी चेंज हो रही है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ई चेंज हो रहा है। तो अब इसके अंदर इस पॉइंट में जैसे देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, तो लाइन्स कैसे जा रही हैं? स्ट्रेट जा रही हैं और इक्वल स्पेसिंग है। अब यहाँ स्फेयर तो बनेगा नहीं, क्योंकि स्फेयर में तो लाइन्स ऐसे ही दूर 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 जाती रहती हैं। इसके अंदर हमेशा एक प्लेन बनेगा, प्लेन प्लेन प्लेन। पता है क्यों बनेगा?
क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर बिल्कुल स्ट्रेट हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में एंगल हमेशा क्या बनना है, 90। तो सोचो अगर लाइंस मुड़ ही नहीं रही, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं, तो स्ट्रेट के साथ तो प्लेन ही परपेंडिकुलर बना सकता है, कर्व बनाएगा तो 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, तो प्लेन ही बनाएगा 90। तो यानी कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इमेजिनरी क्या बनेंगे, प्लेन्स बनेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पेपर में मार्क करने को आया अगर या लिखने को आ गया अगर कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अगर यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस क्या बनेंगे, ये प्लेन्स बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? फिर ये बताओ इसके ऊपर पोटेंशियल, इसके ऊपर पोटेंशियल, इसके ऊपर पोटेंशियल सेम होगा या डिफरेंट होगा? एक भी पोटेंशियल है, सेम होगा कि डिफरेंट होगा? क्या सेम। क्या बात है, क्या बात है, सेम कैसे होगा, कैसे सेम होगा? बिल्कुल रेडियस नहीं भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है। एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। भाई यहां पर मान लो 10 वोल्ट की इक्वी पोटेंशियल है, तो हर बार 10 10 10 10 10। ये अगर 8 वोल्ट का है तो 8 8 8 8 8। ये 7 वोल्ट का है तो 7 7 7 7 7। ये एक इक्वी पोटेंशियल, ये दो और ये तीन। ये थोड़ी ना कि दुनिया की सारी इक्वी पोटेंशियल तो वी सेम ही रहेगा, अलग अलग इक्वी पोटेंशियल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज। ऐसे है, समझ में आ रहा है ये इसका मतलब? कोई डाउट इसमें? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लो, और इसको चाहे नोट कर लो अपने फॉर्मूला बुकलेट में, इसको ऐसे नोट करो। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। एंड सपोज मैं एक प्लेन तो नहीं कहूँगा, अगर मैं ये बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस प्लेन बनेंगे। मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दी इसके परपेंडिकुलर, एक लाइन खींची है सच दैट ये जो एंगल है ये कितना है, 90 है। तो याद रखना ये एक प्लेन का पार्ट है। देखो लाइन कुछ नहीं है, एक प्लेन का पार्ट है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी हमेशा क्या रहेगा, सेम। क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल हमेशा क्या बनता है, 90। तो वी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। इसे बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं, इक्वी पोटेंशियल लाइन। तो आज के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पैरेलल जा रही हैं, आप एक लाइन परपेंडिकुलर कट करोगे तो ये पोटेंशियल हर वक्त क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो मान लो जैसे ये पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो ये भी 10 वोल्ट है, तो ये भी 10 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन अगर मैं एक और लाइन यहां ड्रॉ कर लेता हूं सच दैट ये भी 90 है, तो ये सरफेस, ये लाइन भी क्या है, इक्वी पोटेंशियल लाइन है। लेकिन हो सकता है कि यहां पर पोटेंशियल 8 वोल्ट 8 और 8 हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। पर लेकिन ये एक इक्वी पोटेंशियल लाइन है, ये दूसरी इक्वी पोटेंशियल लाइन है। समझ में आ रहा है यहां तक? पॉइंट समझ में आ रहे हैं? कोई डाउट इसमें? न्यूमेरिकल में यूज होगा इसका, इसे नोट करवाया है, अभी थोड़ी देर में अगले न्यूमेरिकल में यूज करके दिखाऊंगा।